अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली और अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों को पुनः रखने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल पर है। नारा लगाते रहिए, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको करना नहीं करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको करना नहीं करो, मामा जी को होश मिलाओ, ORS का होश मिलाओ, मामा जी को होश मिलाओ, ORS का होश मिलाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम लोग तकरीबन 15 दिसंबर से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें तत्काल नियमित किया जाए। दरअसल क्या है कि हम लोग 15 से 20 साल हो गए हैं स्वास्थ्य विभाग में संविदा के रूप में काम करते हुए। हमारे प्रदेश में संविदा के 32,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं। उनका ये कहना है कि जैसे शिक्षा विभाग में जैसे पंचायत सचिवों को, जैसे जन अभियान परिषद के कर्मचारियों को नियमित किया गया था, जो नीति लागू की गई थी उसी नीति के आधार पर हम लोगों को भी लागू किया जाए। और 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के आधार पर एक नियम बनाया था, वो नीति भी आज तक हमारे विभाग में लागू नहीं की गई है। हम इस मांग को लेकर आए हैं कि तत्काल वह नीति अविलंब 5 जून 2018 है उसको भी लागू किया जाए और हमको तत्काल नियमित किया जाए।